Um, लेकिन अब जो मैं करने की कोशिश करने वाली हूँ इट इज़ वे बियॉन्ड मेंटलिज्म अभी जो किया उसके थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के कोशिश करेंगे कि लोगों के दिमाग के अंदर घुस कर उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की हम थोड़ी सी गुस्ताखी करें um, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगैन um, एक व्यक्ति की स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी एनी बडी वांट्स टू वॉल्टियर अगर आप आना चाहते तो आ जाइए ना तो फिर पेपर बॉल फेंकेंगे हाथ तो जा कर लीजिए विल चूज एनी बडी आप आएंगे सर तो, मतलब मुझे दिख रहा है उनके अंदर की उत्सुकता मुझे दिख रही है बुला दो तो मैं आ जाऊंगा <laughs> anybody, anybody anybody मैं फेंकू आपको फेंकू सर यू कम ऑन स्टेज हाँ जी आ अरे आ जाओ आ जाओ सर आ कम 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 लेट्स मतलब सर आप आते तो खड़े हो ही चुके हो हाँ आ जाओ <laughs> सर विजय कुमार विजय नाम तो सुना विजय मेरे को इनको बड़ा अच्छा लगा जैसे ये स्टेज पर आ रहे थे ना सबसे पहले इन्होंने अपना फोन निकाल के साइड पे दिया वे तो मेरा फोन संभाल फिर मैं स्टेज पर जाऊंगा <laughs> सर मैं ऐसा कुछ ऐसे इलीगल नहीं करती सर आगे आ जाएंगे तो हम काफी इंटरेस्टिंग चीज करेंगे आज के दौर में जब मैं माइंड रीडिंग का बिट करती हूँ लोगों के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालती हूँ काफी ईजी है जानना कि लोगों के जीवन में चल क्या रहा है मतलब यहां पर तो मुझे नहीं पता कितने लोग हैं बट यू नो सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ अवेलेबल है मम्मी पापा का नाम बचपन में लग गई होगी ये हो गया होगा कल खाना कहाँ खाए ये सब अवेलेबल है तो जो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसको साइड पे रखेंगे और मैं ऐसा कुछ आपको सोचने को कहूँगी जो आ, किसी को पता ना हो मेरे पास यहाँ पे क्यू कार्ड्स है यानी कि हर कार्ड पे कुछ अलग अलग चीज लिखी है इस तरह आ जाएंगे सर इट से थिंक अबाउट एनी थिंग ठीक है थिंक अबाउट एनी किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं थिंक अबाउट योर फर्स्ट क्रश बड़े कॉन्फिडेंटली यस yes बोला इन्होंने हाँ ये हा, ना बोलो ना क्या सुनो फिर थिंक अबाउट योर फोन पासकोर्ड तो चलो वो तो अभी हमने कर ही लिया लेकिन फिर भी थिंक अबाउट एन ऑथर थिंक अबाउट कोई चाइल्ड हुड मेमोरी अगर आपकी है तो थिंक अबाउट ए टी एम पेन कोई सुपर हीरो थिंक अबाउट योर फेवरेट मैजिशियन हाथ थैंक यू कोई फेमस सेलिब्रिटी थिंक अबाउट फेवरेट कॉमेडियन कोई पार्टनर आपका कोई फोन नंबर आपका फर्स्ट किस मुझो पढ़े की लग रहा है बुक आपका बर्थडे कोई क्लासमेट कोई गाना कोई ड्रीम या कोई एस्पिरेशन कोई यूट्यूबर खाने में समथिंग टू ईट मोबाइल uh, ऐप मतलब किसी भी चीज़ के हर एक पे अलग अलग चीज़ लिखी है आपको किसी भी एक चीज के बारे में जो भी आपको कार्ड मिलता है आपको उसके बारे में सोचना है मैं चाहती हूँ कोई भी एक कार्ड को आप ऐसे टच कर लीजिए पीछे से खाली टच करना है एनी एन एग्जैक्टली exactly ये लेफ्ट राइट right नहीं एग्जैक्टली exactly यही कार्ड लेना है आपको यही ना ओके जो भी आपको ये सोचने को बोलता है उसके बारे में आपको सोचना है मुझे मत बताना किसी को भी मत बताना आगे पीछे कोई देखे ना क्लियर है सोच लिया क्लियर है बंद yes. कर ओके आपके okay. चेहरे पे पर हल्की सी एक मुस्कान टाइप है ऐसे हाँ। मतलब को, है ना हाँ। कोई फन चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कोई फन चीज़ है हाँ ठीक है एक काम करते हैं आपके साथ कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं तो कितने लोगों को इन्वॉल्व करें दो तीन कितने लोग थ्री थ्री मोर पीपल तो एक काम करते हैं ये जो डेक है मैं ये ऑडियंस में फेंकूंगी और uh, सर आप फेंकना नहीं सर स्टेज पे नहीं आना अभी ओके okay. हम ये ऑडियंस में देंगे और आ, आपको ये रबर बैंड जिसको भी मिले आपको ये रबर बैंड निकालना है आपको पहला कार्ड मत पढ़ना क्योंकि पे क्या लिखा है मुझे पता है तो उसको हम अवॉइड करेंगे आपको बीच में से कोई भी एक कार्ड निकालना है वो आपको बोलेगा थिंक अबाउट कुछ भी हो सकता है वो पॉलिटिशियन सिंगर डांसर गाना जगह कुछ भी हो सकता है आपको वो जो भी है उसको बाहर निकाल के उसे पढ़ना है जो भी उसको आपको सोचने को बोला गया है आपको उसके बारे में थिंक करना है उसके बारे में सोचना है और इसको फिर किसी और को आप पास कर देंगे तीन लोग इन्वॉल्व करने सो so, मैं चाहती हूँ आपकी मर्जी हो आप किसी को भी दे देंगे या तो मैं ले, मैं जाती हूँ नीचे आप खड़े रहे सर स्टेज पे आप मुझे बताइए किसको देना है मैं उनको देती हूं विजय जी किसको दे ये सेकंड लाइन सेकेंड रो सर खड़े हो जाएंगे प्लीज <laughs> नहीं नहीं म्यूजिक धीरे रख धीरे रख सर बहुत सिंपल टास्क फर्स्ट कार्ड अवॉइड करना है बीच में से कोई भी एक कार्ड नहीं किसी और को मत दिखा खाली अपने पास आपको ही देखना है थिंक अबाउट समथिंग आपको देख सोचने को बोलेगा आपको उसके बारे में सोचना है और कार्ड अंदर डाल देना है वापस काफी टाइम लगा आपको वैसे प्रोसेस करने में ओके okay. ठीक है आप रबर बैंड लगा देंगे वापस और किसी और को ये पास करना है तो आप चाहे तो आप दे सकते हैं वरना मैं चाहूँ तो मैं पास कर दूँ आपके लिए बताइए किसको देना है सर सर आप खड़े रहेंगे ओके okay. मैं चाहती हूँ आपको जो थॉट है उसके बारे में आपको सोचना है विजय जी स्टेज पर जो आपको बोला कि उसके बारे में सोचना है भूल मत जाना सर अब वायर निकालेंगे तो ऐसे कार्ड खोलेंगे कोई भी एक कार्ड निकालना है वो आपको कुछ सोचने को मिलेगा उसके बारे में आपको सोचना है अवॉइड द फर्स्ट कार्ड पहला कार्ड अवॉइड करना है किसी और को मत दिखाइए अपने पास रखिए क्लियर ओके okay, रबर बैंड लगा दीजिए किसी भी ऑर्जन को आप पास कर सकते हैं आप बोले तो मैं कर दू वरना आप चाहे तो आप जाके दे सकते हैं एनी बडी यू वॉन्ट ओके थोड़ा आप पीछे जाने तो पीछे भी दे सकते हैं किसी को एनी बडी यू वॉन्ट ओके सर इधर आ जाएंगे रबर बैंड निकालना है एक कार्ड कोई भी आप निकालेंगे जो भी आप सर एक निकालना है सर नहीं तो आई डोंट वॉन्ट टू बी कन्फ्यूज विद योर थाट एनी वन कार्ड इनका एनर्जी लेवल मेरे को टेंशन दे रहा है क्लियर 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 ओके रबर बैंड लगा दीजिए डेक बंद कर दीजिए ओके okay, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी समी कैन जस्ट टेक द डेक फ्रॉम देयर ओके अपने पास रखिए नीचे इधर सीढ़ी पे रख दीजिए मैं को उसे हाथ भी नहीं लगाना ठीक है so मैं टच भी नहीं करी कि क्या कार्ड है सो वी हैव एंड है आप पे थोड़ी देर में आते हैं ठीक है इधर रहते हैं पहले तो so, बहुत सारे कार्ड्स थे उस पर अलग अलग चीजें आपको सोचने को लिखी थी आपने कोई भी एक रैंडमली निकाला आपको कुछ चीज़ मिली होगी सोचने के लिए अभी मैं चाहती हूँ बहुत सिंपल टास्क आपको जो भी बोला गया उसके बारे में आपको सोचना है इट कुड बी एनी मुझे नहीं पता लेकिन किसी को भी नहीं पता दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो अभी करेक्ट मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप लगातार सोचते रहिए और खो सके तो तीन नजरें मेरे पर ही रखना है कहीं और देखना नहीं है मेरे तीन गिनने पर मैं आपको बोलूंगी अपनी आंखें बंद करने को तो आप अपनी आंखें बंद करके उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे विद मोर इंटेंसिटी मैं कुछ रैंडम चीज़ें बोलती रहूंगी मेरे को बोलने दो लेकिन आपका फोकस होना चाहिए ये भी कोशिश करिए कि आप आंखें बंद करके जो भी विचार आपके मन में है उसको आप मेरी तरफ फेंक रहे हैं जैसे हाइपोथेटिकली इमेजिन करिए कि मैं बहुत दूर खड़ी हूँ और वो विचार को आप मेरी तौर ऐसे फेंक रहे कोशिश करिए कि वो विचार मेरे तक पहुंचे अगर किसी का नाम आप बोल रहे हो तो वो नाम जोर से चीखिए अपने मन में बोलना नहीं है अगर कोई आ, जो भी अगर कोई नंबर्स है या कोई एटीएम पिन है या पास करे तो नंबर्स अपने मन में आप लगातार जोर से बोलते रहिए जो भी चीजों से लगातार करते रहना है ठीक है वन टू थ्री आंखें बंद चीटिंग मत करो सर ओके okay, आंखें खोलेंगे चीटिंग शोभा नहीं देता सर चीटिंग नहीं करते आंखें खोलेंगे मैं ना कुछ रैंडम चीजें बोलने वाली हूं लाइक ऐसे ही विभिन ठीक है रैंडम रैंडम अगर मेरी चीजों में मैं बोल भी दू कि आप क्या सोच रहे हैं, तो रिएक्ट मत करना ऐसे मेरे को कंफ्यूज रखो एकदम मैं बोल भी दूंगा आप क्या सोचो तो पोकर फेस पोकर फेस क्या बोलू पुलिस वालों को मतलब अजीब लगता है बट ठीक है <laughs> पता नहीं चलना चाहिए आपके चाव भाव से पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बोल चुकी हूँ ठीक है सर ठीक है सर ओके मेरे मन में कुछ कुछ चीजें आई है लेकिन कुछ कुछ चीज़ अभी तक नहीं आई है मतलब आप में से कोई भी व्यक्ति कोई नंबर्स के बारे में नहीं सोच रहा क्योंकि मुझे एक भी नंबर नहीं आया है रिएक्ट मत करिए डोंट से यस नो बट मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नंबर्स के बारे में सोच रहा uh, कोई है कोई जगह uh, है कोई कोई मेमोरीज भी है यहाँ पर अब आप में से कोई एक व्यक्ति जो एक जगह के बारे में सोच रहा है अब जो भी व्यक्ति उस जगह के बारे में सोच रहा है अभी आंखें बंद नहीं करनी है पर इमेजिन करिए कि गूगल मैप जो हम फोन पे यूज करते हैं वो आपके सामने खुला हुआ है और वो गूगल मैप ओपन करके आप उस जगह जगह पर जा रहे हैं जो आपके मन में है और उस पर आप स्क्रोल कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे और वो जगह का नाम आपके स्क्रीन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अब मैं चाहती हूँ कि उस नंबर उस जगह में के नाम में जितने इंग्लिश में जितने लेटर्स है वो लेटर्स आप काउंट करिए अभी ओके मैं आपसे ज्यादा फास्ट हूँ ठीक है नाउ एक व्यक्ति है जो कुछ तो कलर्स इससे संबंधित अब कलर्स क्या है मेरे को नहीं पता आप में से कोई एक व्यक्ति है जो बहुत सारे रंगों के बारे में सोच रहा है बहुत सारे कलर्स के बारे में सोच रहा है इट कैन बी अ रेन नहीं रेनबो नहीं है बट एक बोलते हैं ना वो कॉन्सर्ट होता है जो बहुत सारी फ्लैशेस होती है लाइट्स की और शोर शराबा होता है तो आप में से एक व्यक्ति जो ऐसे कुछ कॉन्सर्ट के बारे में सोच रहा है जो बहुत लाइट और येलो कलर ज्यादा प्रोमिनेंट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है सो तो बहुत ज्यादा फ्लैशिंग है <laughs> आप भी कुछ सोच रहे हैं सर मुझे पीछे देखिए ऊपर पीछे देखिए हाँ। आप कुछ एंटरटेनमेंट से संबंधित सोच रहे हैं या ना करेक्ट यानी कि कोई पिक्चर है कोई गाना है ऐसा कुछ है करेक्ट करेक्ट आपके पर थोड़ी देर में वापस आते हैं आप तो आप में से एक व्यक्ति जो जगह के बारे में सोच रहा है एक व्यक्ति जो कोई कॉन्सर्ट या कोई बहुत सारा कलर्स है मतलब बहुत कलर्स है उसके बारे में सोच रहे है। और आप में से एक व्यक्ति जो यहाँ है ही नहीं यानी कि आपको एक पास्ट की मेमोरी में है जो भी व्यक्ति है जो उस पास्ट की मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं आप तीनों में से जो भी एक वो व्यक्ति है जो पास्ट की मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा और डीप उसमें चले जाइए थोड़ा सा डीप इधर इधर ध्यान देना आप तीनों को इधर ध्यान देना आप किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए यानी कि अगर उसमें कोई इमोशन है तो उस इमोशन को फील करिए आपने क्या पहना है आपके आसपास कौन खड़ा है उस चीज के बारे में सोचिए जो भी व्यक्ति जगह मेमोरी के बारे में सोच रहा है जो भी याद आपको आ रही है जिस चीज की उसके बारे में आपको सोचना है एज मच एज आई अंडरस्टैंड ये एक चाइल्डहुड memory है जिसमें आप आठ या नौ साल के हो और आ, आपकी माँ आपके पास है आपके फादर आपके पिताजी आपके साथ नहीं है इस समय पर बट इट इज ओके क्योंकि एक बहुत हैप्पी memory है आपने कुछ जीता है कोई अवार्ड है जो आपने जीता है तो मेडल या कुछ अवार्ड आपके हाथ में है इट्स अ वेरी हैप्पी मेमरी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपने कुछ uh, आपने कुछ वाइट या क्रीम कलर का पहना हुआ है ओके दिस इज द मैक्स आई कैन गेट सर आप 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 ना कोई पिक्चर के बारे में नहीं सोच रहे हो आप कोई गाना सोच रहे हो करेक्ट कोई गाना सोच रहे हो विल गेट टू दैट फिर से इधर हैं ओके okay, ये करना इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है ठीक है यानी कि अगर इन चार में से अगर तीन भी सही आ जाए तो आई थिंक इट विल बी गुड इनफ करेक्ट तो मैं फिर से दोहराती हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है आप में से एक व्यक्ति है जो बहुत कुछ कॉन्सर्ट कुछ कलर्स है बहुत सारे येल्लो ज़्यादा प्रोमिनेंट है पर मुझे और ज़्यादा डिटेल नहीं मिल रही कि वो क्या है बट बहुत सारे कलर्स और लाइट्स मुझे दिख रही है दूसरी व्यक्ति है जो एक मेमोरी के साथ है आपकी एक चाइल्डहुड मेमोरी है मेरे को लग रहा है आपको देखकर कर के नौ नौ या दस साल मैक्स आपकी उम्र लग रही है इधर कोई मेमोरी है जो आपकी माँ आपके पास है बहुत हैप्पी मेमोरी है कुछ अवार्ड जीता है और एक व्यक्ति जो जगह के बारे में सोच रहा है और जो जगह है उसमें सिक्स लेटर्स है जगह हाँ अगर जगह का नाम है लंडन लंडन सिटी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं अगर अगर सर आपका नाम क्या है गुरुराज गुरुराज गुरु जी गुरु जो भी आप सोच रहे हैं अगर उसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप बैठ जाए सर नाम क्या है धर्माकर जी धर्माकर जी जो भी आप सोच रहे हैं अगर उसके बारे में मैंने अभी आपको बोल दिया है यहाँ पे ऑडियंस के सामने बोल दिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप बैठ जाए ए, अगर बोल दिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप बैठ जाइए नहीं बोला है तो होता है कभी कभी नहीं है आपके बारे में तो मैंने बोल दिया है मतलब मुझे भी पता है कि आप जो सोच रहे हो मैंने बोल दिया है नहीं, है? नहीं है नहीं बोला है क्या सर कैसी बात करना फील के मैंने बोल दिया जोरदार तालियां हो जाए जोरदार तालियां हो जाए बढ़िया एकदम बढ़िया चार के साथ रहिए डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ओके दिस गॉट मी टोटली डिस्ट्रेक्टेड ओके आई थिंक आई हैव टू कट दिस शॉट क्योंकि मैं ही फोकस नहीं करूंगी सर किस चीज के बारे में सोच रहे हैं आप के बारे में सोच रहे हैं आ क्रिकेट प्लेयर के बारे में कहां पहुंच गए सर मुझे क्रिकेट पसंद नहीं बट विल स्टिक टू यू अगेन जस्ट गॉट मी टोटली जस्ट चलो छोड़ो तो एंटरटेनमेंट के बारे में सोच रहे हैं पिक्चर नहीं है कोई गाने के बारे में आप सोच रहे हैं करेक्ट यस मैं चाहती हूँ कि वो गाना आप अपने मन में ऐसे गुन ऐसे हम हम आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर पर मन में गुनगुनाते रहिए ओके ओके रिपीटेड वर्ड्स है इसके अंदर मतलब कुछ शब्द है जो बार बार दोहराया जा रहे हैं करेक्ट हाँ क्योंकि शक्ल ही ऐसी थी मतलब ओके नहीं मेरे को मत देखिए गाना गाइए मन में मेरे को ना गाना याद नहीं आ रहा है मेरे खुद के मन में ओके इमेजिन करिए कि आपके आगे माइक रखा है और आप ये गाना अभी गाने गाना नहीं है लेकिन ऐसे बस गाने जा रहे हैं ठीक है वन टू थ्री ओके उसका टोन याद आ गया क्योंकि आपको अपने मन में टोन चल रहा है आपका आ, लेकिन गाने के शब्द में याद करी रुको गाने का टोन है कुछ ऐसा करेक्ट करेक्ट yes. गाना है अरे यार है तो मुझे नहीं पता <सुणारागा> कर नहीं है ना ये टोन तो सही है लेकिन हाँ टोन सही है ऐसा गाना ओके विजय जी क्या आप अपने मन में सोच रहे हैं लुंगी 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 हाँ yes. विजय विजय जी जी बहुत-बहुत के लिए ता लिए। ज़ोरदार हो जाए इनके अच्छा रुकिए, आपके लिए कुछ है मेरे पास ये लिफाफा है शगुन नहीं है अंदर है एक सौ एक कुछ नहीं है लेकिन संभाल के रखिए मैं थोड़ी देर में वापस ले भी लूंगी थैंक यू सो मच ज़्यादा ही अच्छा रखना पड़ता है देन तो देखिए, दो बातें आप लोगों को मजा आ रहा है पहली बात दूसरी बात अभी तक मैं तो मैंने ये थोड़ा बहुत तो साबित कर ही दिया है कि मतलब मुझे कुछ तो आता है हाँ या ना, ना। हाँ बहुत कुछ अच्छा तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे परफॉर्म करूं आई डिमांड मोर मनी पहली हूं जैसे हिम्मत करी पुलिस वालों से पैसे मांगने की मैं I need somebody. मैं चाहती हूँ स्टेज पर आएज रिच पैसा होना चाहिए आपके पास कोई भी जो मुझे दे सकता है दस रुपए से हाथ ऊंचा करना है आपको जो भी दस रुपए दे सकता है आ, नहीं तो फिर हम पेपर बॉल फेंकना पड़ेगा नहीं बड़ी यार दस रुपए देने यार इतनी कंजूसी हाँ सर ऐसे छोटू सा हार है नई दस रुपए की नोट होनी चाहिए पुरानी नहीं तो चैलेंज है मतलब किसी के पास और खिताब बता दीजिए जल्दी से नहीं तो वो स्टेज पर आ रहे हैं